वाहे गुरु वाहे गुरु खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हाँ करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हाँ सद सद संगा खालसा मेरो सज्जन सूरा खालसा मेरो सतगुर पूरा खालसा मेरो सतगुर पूरा गुरु स्वरूप गुरु साध संग जीओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन हजूरी अंदर जो आप सारिया संगतां ने उदम करके परमेश्वर ने आप ये बख्शिश की है ये विसाखी दे पावन त्यौहार आप सारिया संगतां मना रहे हो गुरमुख प्यारे ने गुरु की पवित्र बाणी का हर जस कीर्तन आप जी नूं सरवण करवाया है सो गुरु साध संग जी जो आप की कृपा गुरु की बख्शिश नाल दासां नूं एक घंटे का समा गुरु चरणों में बैठ करके गुरबाणी कीर्तन वास्ते प्राप्त होया सारिया संगतां गुरु की फतेह बुला के कीर्तन आरंभ करन दी आग्या बख्शिश करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तिन का सगली सोज पई सोज पई तिन का सगली सोज पई सोज पई कहो ना जिन मनो पछानिया कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई सोज पई तिन को सगली सोज पई
कहो नानक जिन मनो पछानिया, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिन को सगली सोज पई, सोज पई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई। पूरन पूर रहो संपूरन, पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, दयाल दई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, जिन मनो पछानिया, तिन को सगली सोज पई, सोज पई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई। काम करोद तृष्णा अहंकारा, काम करोद तृष्णा अहंकारा, तन ते होए सगल खई, सगल सगल खई, सगल खई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई। सत संतोख दया धर्म सुच, सत संतोख दया धर्म सुच, सतगुर ते संतन ते ए मंत संतन ते हे मंत लई, मंत लई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई, तिन को सगली सोज पई, सोज पई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिन को सगली
जिन मनो पछानिया कहो नानक जिन मनो पछानिया जिन मन करके गुरु नु जानिया गुरु शीश मंगदे ने ते साडे भले वास्ते मंगदे ने जिन्होंने मन करके जान लिया गुरु नू गुरु ने उन्हां नू सारियां प्रकार दियां सोझियां बख्श दित्तियां तिनको सगली सोझ भई ते गुरु साध संगत गुरु ने बख्शिश की कीती काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तांते होए सगल खई ये दुष्ट सारे तन तो नाश कर दिते ते गुरु ने बख्शिश करके हिरदे विच वास कादा कीता सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते ए मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई 80,000 दी गिनती विचों पांच नित्रे जिन्हां ने मन करके गुरु नू जाणिया सी पहला दया आई फिर धर्म आया फिर हिम्मत आई फिर मोकम आया फिर साहब आप आया सो गुरु साध संग जी जिन्हां दे नावां दे नाल चंद जां दास लगदे सन सतगुरु ने सारिआं नू सिंह बना दिता अते महाराज ने कृपा कीती बख्शिश कीती इस दिहाड़े ते गुरु साध संग जिथे खालसे दे नाम नाल सिंगल आया उथे बीबियां दे नाम दे नाल कौर शब्द लाया कौर तो बिना बीबी दा नाम अधूरा है सिंह तो बिना सिंह दा नाम भी अधूरा है सो गुरु कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने गुरु साध संग ते हजूर ने ऐसे बचन कीते सन ये कोई मेरी अपने मन दी मौज नहीं ये मौज परमेश्वर दी है खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज ये परमात्मा दी मौज सी परमात्मा दी रजा सी मालिक ने मैनूं हुक्म करके भेजिया सी मैं अपना सुध तुहे निवाजा पंथ परचुत करबे को साजा मालिक दे हुक्म नाल ये खालसा पंथ दी साजना हुई सिद्ध पुरशा ने पुछया ही गुरु नानक साहब जी नूं कि हे नानक जी तुसी घर छड्ड दिता उदासी धारण कर ली है किस वास्ते किस कारण ग्रहत अजे उदासी ते गुरु साध सिंह जी गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी गुरमुख खोजत पई उदासी गुरमुख दी खोज विच निकले आ इस वास्ते उदासी धारण कीती है नौ जामे उसे गल दी प्रोड़ता करदे रहे ते दसवें पातशाह ने आज दे दिन जो गुरु नानक साहब जी गुरमुख लभण वास्ते पालन वास्ते चले सन ओदी संपूर्णता कर दिता गुरमुख साज दिता जेदे विच सत संतोख दया धर्म सुच ए भर दिते अवगुणा दा नाश करता गुणा नाल भरपूर करता धन गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनी पवित्र बाणी अंदर फरमान कर रहे हैं तिनका सगली सोझ पई सोझ पई तिनका सगली सोझ पई सोझ पई कहो नानक किन मनो पछानिया कहो नानक किन मनो सगली सोझ पई सोझ पई तिन का सगली सोझ पई सोझ पई
इन्हें की कृपा के इन्हें की कृपा के सजे हम हैं इन्हें की कृपा सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के नहीं मोसे गरीब करोर परे मोसे गरीब करोर मोसे गरी मोसे गरी मोसे गरीब करोर परे इन्हीं की कृपा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सोदान करे इन्हीं के प्रसाद सुदान करे इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा से गरीब करोर परे वो से गरीब करोर परे वो से गरीब वो से गरीब वो से गरीब करोर परे इन्हीं की कृपा आग आग टरे इन्हीं के प्रसाद आग आग टरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फोन ताम परे इन्हीं की कृपा फल ताम भरे इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के इन्हीं की कृपा के
प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब शत्र मरे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने गुरु साध सिंह जी आप खालसा पंथ की साजना की ये वड्याई बख्शी। जदों उस वक्त दे धार्मिक आगुआ ने गल कही कि महाराज साढ़े तो पहला इन्होंने तुम प्रसाद छकाता है तो हुण सानू कहिंदे ओ छको असीं ते नहीं छकना। इह संसार दीआं पछड़ियां जातियां विचों लोग जिन्हां दा तुसी इन्ना मान सत्कार कीता अते सानूं पिछे पाता महाराज इस वास्ते असी प्रसाद नहीं छकणे। ये कौन लोग ने जिन्हां दा तुसी इन्ना सत्कार इन्ना मान करदे हो? ते महाराज ने आख्या सी मेरी साजना भी इन्हां दी कृपा नाल आई है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोर परे नहीं ते मेरे वर्ग करोड़ां गरीब रुलदे फिरदे। सतगुरां ने खालसा जी असां सारिआं नूं इह बख्शां कीतीआं। उहनां ने फिर आख्या महाराज असीं तुहाडी रसद वी नहीं लैणी असीं प्रसाद आप तैयार करके वी नहीं छकणा तुसीं हुण किहदी सेवा करो असी तुहाडा दान भी नहीं लैणा तुसी दान किनू दोगे ये कर्म किथे करोगे? ते गुरु साध सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने ये बचन कीते सन कि जेकर तुसी साडी सेवा नहीं प्रवान करनी साडे पासों तुसी दान नहीं लैणा ते हुण सानू हुक्म भी ऐसा हो गया सेव करी इन्हीं की भावत
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਔਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨਿਕੋ। ਆਗੇ ਫਲੈ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦਿਓ, ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਫੀਕੋ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਓ, ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ। ਤੰਦਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜਨੇਊ, ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਆ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਤਰ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਣ ਦਾ ਤੰਦ ਇੱਕ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ, ਲੰਬਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੰਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵੇਗਾ ਸਣ ਦਾ ਤੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ। ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈ ਭਰਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਆਕੇ।
की देख वड़ाई पूरे गुर की देख वड़ाई ताकि कीमत कहन न जाई पशु परेत मुग्ध पै सोते हर नामा मुख गाया पशु परेत मुग्ध पै सोते हर नामा आनंद मंगल
विश्रामा। मन पाशत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। मन पाशत फल मिले अचिंता, कीमत कहन न जाई। ताकी कीमत कहन न जाई, पूरे घर की देख बढ़ाई, पूरे घर की देख बढ़ाई। यहाँ सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने। यहाँ सुख आगे मुख उजल, मिट गए निर्भाव पै हृदय नाम वसिया, अपने सतगुर के मन पाने। निर्भाव पै हृदय नाम वसिया, अपने सतगुर के मन पाने। पूरे गुर की देख बढ़ाई, पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन उठत बैठत हर गुण गावे। उठत बैठत हर गुण गावे, आनंद मंगल विश्राम। उठत बैठत हर गुण गावे, आनंद मंगल विश्रामा। आनंद मंगल विश्रामा, उठत बैठत हर
हर गुण गावे आनंद मंगल विश्रामा। कहो नानक ताके पूर करम जाता, उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भरम भागा। कहो नानक ताके पूर करमा जांका, गुरचरनी मन लागा जांका, गुरचरनी मन लागा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। से सदन सब कर समझो, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माही उदासा। Thank you.
जत की जटा जोग को मजम जत की जटा जोग को मजन नेम के नखन बड़ा Oh.
बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माहि उदासा से सदन सब कर समझो, मन से सदन सब कर समझो, मन ही माहि उदासा, मन ही माहि उदासा सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, आपे गुरु चेला
सिंह जी गोविंद सिंह जी गोविंद सिंह जी वाह वाह गोविंद सिंह जी वाह वाह गोविंद सिंह जी हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धां खेला गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला पीवो पावल खंडे तार होए जन्म सोहेला गुर संगत की नी खालसा मन मुखी दोहेला मन मुखी दोहेला वाह वाह ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ